करूंगी जो इन्फॉर्मेशन कहीं और किसी पे अवेलेबल नहीं है, जिनमें मुझे भी काफ़ी दिक्कत आई थी क्योंकि ना किसी वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, ना कहीं गूगल पे थी, ना ही किसी रिलेटिव किसी फ्रेंड के पास वो थी, क्योंकि किसी ने एग्ज़ाम नहीं किया था तो किसी को एक्सपीरियंस नहीं था। तो आई विल कवर ऑल दोज डाउट्स और ऑल दोज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब एज आई सेड कि मैं ये सीडीएस और सीडीएस एग्ज़ाम के सिलेबस और ये सारी चीज़ें और एसएसबी की सारी चीज़ें ये सब मैं डीप में नहीं बताऊंगी क्योंकि वो आपको दूसरी जगह पे भी मिल जाएंगी, उसको मैं बस शॉर्ट में कवर कर देती हूँ। सबसे पहले सीडीएस एग्ज़ाम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। तीन पेपर होते हैं इसमें। फर्स्ट पेपर होता है इंग्लिश का, ठीक है, 2 घंटे का सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है। उसके बाद आपको 1 घंटे का गैप मिलता है। फिर सेकेंड पेपर होता है पेपर 2 जीएस का, जनरल स्टडीज़ का, ठीक है, वो भी 2 घंटे का होता है। उसके बाद फिर से आपको 1 घंटे का गैप मिलता है। फिर थर्ड पेपर होता है मैथ्स का। मैथ्स का जो पेपर है वो कंपलसरी नहीं है सबके लिए, जो ओटीए चेन्नई के लिए अप्लाई करते हैं वो उनको मैथ्स का पेपर नहीं देना पड़ता, वो सिर्फ इंग्लिश और जीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जीएस का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपको मतलब आपको रिजल्ट पता लग जाता है अपना। फिर कुछ टाइम बाद आपको एसएसबी से कॉल लेटर आता है मेल पे, तो उसमें आपको सारी चीज़ें दी हुई होती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, किस दिन मतलब कौन कौन सी डेट को कितने बजे आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू योर सेंटर, ठीक है। मेरा सेंटर एसएसबी भोपाल था, आपका कुछ भी हो सकता है, एसएसबी भोपाल इलाहाबाद कोई सा भी, ठीक है। तो वो आपके मेल में आपके कॉल लेटर में वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी, उसमें टाइमिंग भी मेंशन होगी कि आपको कितने बजे रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप वहाँ पे जाओगे, यू कैन रीच द सेंटर डायरेक्टली, आपकी मर्ज़ी है आप डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट आप जाना चाहते हो सेंटर, या फिर आप स्टे करना चाहते हो, जो उन्होंने टाइमिंग दी है आपको पिक करने के लिए आप उस टाइम उन्हीं के साथ जाना चाहते हो। लाइक मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 2 बजे का था दिन में, तो मैं लेकिन ट्रेन सुबह ही पहुंच गई थी, तो इसलिए अगर आपको स्टे करना है तो आप स्टे कर सकते हो कहीं पे, और फिर आप 2 बजे मतलब जैसे 2 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ पे स्टेशन पे और आप सुबह ही पहुंच गए हो तो आप कहीं पे स्टे कर सकते हो और फिर 2 बजे आप स्टेशन पे पहुंच सकते हो, जिससे आपको सबको वो साथ में पिक कर लें वहाँ पे, क्योंकि वो उनका मतलब आर्मी ट्रक आता है तो उसमें वो सबको लेके जाते हैं। और अगर आप डायरेक्ट सेंटर जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, तो आप वहाँ पे उसी टाइम से रहना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये है वहाँ पे पहुँचने का मतलब पहुँचने के लिए इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद क्या होता है, इस वीडियो में मैं ना सारे मिथ्स भी क्लियर करूँगी कि एसएसबी को लेके क्या क्या मिथ्स हैं, ठीक है। तो अभी लेकिन एसएसबी की बात करें तो वही करते हैं। ये ना 5 डेज का इंटरव्यू तो है, लेकिन जो शुरू का फर्स्ट डे होता है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए होता है। डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होते हैं, आपको रूम्स अलॉट होते हैं, ये सारा काम चलता है फर्स्ट डे से, ठीक है। सेकेंड डे से मेन टेस्ट स्टार्ट होते हैं, यानी सेकेंड डे को स्टेज 1 का टेस्ट होता है, जो कि होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। स्क्रीन पे आपको ये पिक्चर दिखाई जाएगी, थोड़ी सी ब्लर होगी, वो 3 सेकेंड के लिए सिर्फ वो पिक्चर आपको दिखाई जाएगी और आपको उसके ऊपर कोई स्टोरी लिखनी है, ठीक है। स्टोरी के लिए वो फिर आप सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपका एक रीजनिंग का टेस्ट होगा डे 1 मतलब वही स्टेज 1 में ही। सेकेंड टेस्ट होगा आपका रीजनिंग का, रीजनिंग के वो डाइस वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होंगे वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो उस टेस्ट के बाद आपको फिर सबको मतलब वेट कराया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू मतलब वैसा प्रॉपर इंटरव्यू नहीं, जो आपने स्टोरी लिखी है ना वही आपको पूरे ग्रुप के सामने और सब मतलब उनके सामने जजेस के सामने आपको वो इंटरप्रेट करनी होगी अपनी स्टोरी को, ठीक है, नरेट करना होगा आपको अपनी स्टोरी। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपने जो लिखी है एज इट इज़ आपको वही बोलना है, वो आपको कॉन्फिडेंस देखते हैं, तो आप मतलब सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट और आप एक कुछ पॉजिटिव सा वो लेके आओ अपने स्टोरी में, ऐसा कुछ आपको बताना है, ठीक है। और ऐसा ये भी नहीं है कि हाँ हिंदी वालों को भी कम प्रेफरेंस है, मतलब ऐसा नहीं है, पर हाँ ये चीज़ मैंने भी देखी थी कि हाँ इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही थी उन पर, तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। दुख की बात है लेकिन क्या कर सकते हैं, मातृभाषा है फिर भी इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बहुत सी जगहों पर। ओके
तो ये टेस्ट होता है, फिर इसके बाद ये नरेशन वाली स्टेज के बाद, इंटरव्यू वाले के बाद, फिर वो सबको वेट कराते हैं और फिर वो आपको मतलब आके रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं कि जिस जिसने वो क्लियर कर लिया होता है फिर वो रुकता है वहाँ पे, और उसके बाद जिसने नहीं क्लियर कर होता है वो वहीं से वो वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो जो रुके हुए होते हैं, जिन्होंने क्लियर कर लिया होता है, उनका फिर सेकेंड डे होता है, या सॉरी थर्ड डे स्टेज टू का टेस्ट होता है। वो उसमें भी स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें आपको 10-11 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, और उन 10-11 पिक्चर में से ना जो लास्ट वाली स्लाइड होगी वो ब्लैंक होगी, तो आपको उस स्टोरी को कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद उसी दिन का मतलब सेकंड स्टेज का ही जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो आपका होगा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसमें क्या होगा कि एक पेपर मिलेगा आपको, उस पर बहुत सारी सिचुएशंस लिखी होंगी, जैसे कि मैं कल अपनी रूम में पढ़ाई कर रहा था तो अचानक मैंने देखा डैश डैश डैश, ठीक है। तो आपको उस सिचुएशन को कंप्लीट करना होगा, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन दी होंगी, तो बी ऑप्टिमिस्टिक एट दैट टाइम, ठीक है। उन्हें आप यही सारी चीज़ें देखनी होती है, इसलिए अकॉर्डिंगली वो सिचुएशंस देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है, यानी स्टेज टू का ही नेक्स्ट टेस्ट होता है, यानी थर्ड टेस्ट होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसमें क्या होता है कि वो 60 वर्ड्स देते हैं, स्क्रीन पे 60 वर्ड्स आपके मतलब दिखेंगे, और हर एक वर्ड के लिए ना सिर्फ 15 सेकेंड मिलते हैं। तो वो 15 सेकेंड में आपको उन वर्ड्स पे प्रॉपर एक लाइन लिखनी है, सिर्फ 15 सेकेंड मिलेंगे उसके लिए, तो हर एक सेंटेंस के लिए 15 सेकेंड में आपको एक लाइन लिखनी होगी, ठीक है। तो स्टेज टू का ही फोर्थ एंड लास्ट टेस्ट होगा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें आपको अपने ही बारे में मतलब आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स सब आपके बारे में क्या सोचते हैं वो चीज़ आपको लिखनी होगी। तो वो आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो, मतलब वो आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एक फिक्स क्वेश्चन है, ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि स्टेज 3 का और डे 4 का जो टेस्ट होता है वो GTO होता है। अच्छा हाँ, आपको आपने प्रॉपर एक ड्रेस कोड होगा कुछ चीज़ों के लिए, जैसे GTO के लिए आपको वाइट टॉप और वाइट बॉटम ही रखना होगा। तो उस GTO के लिए और जो आपका इंटरव्यू होगा ना उसके लिए कुछ फॉर्मल लेके एकदम आयरन वगैरह करके अच्छे से ऐसा कुछ लेके जाना, ठीक है। तो ये दोनों फिक्स होने चाहिए आपके पैकिंग में, ठीक है। तो GTO का टेस्ट होगा जिसमें ग्रुप टास्क होते हैं, प्लानिंग वगैरह आपने काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा, तो वो ग्रुप टास्क होता है, इंडिविजुअल टास्क भी होता है, उसमें रेस, स्नेक रेस, जंप वगैरह, हर्डल वगैरह सब कुछ उसमें होता है, उसी दिन होता है, मतलब सारे फिजिकल टेस्ट जो भी होते हैं ना सब उसी दिन होते हैं, यानी कि स्टेज 3 के टेस्ट में, डे 4 स्टेज 3 के टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद डे 5 और स्टेज 4 के टेस्ट में क्या होता है, सिर्फ इंटरव्यू होता है आपका, उसमें कोई इंडिविजुअल आपका इंटरव्यू लेगा, जो कि मेन इंटरव्यू होता है, आपके क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, जहाँ आप रहते हो वहाँ से रिलेटेड कुछ भी, या आप ये क्यों करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें सब कुछ पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और फिर या स्टेज 5 का जो टेस्ट होता है, स्टेज 5 में यानी कि लास्ट डे का जो टेस्ट होगा स्टेज 5 का, डे 6 और स्टेज 5, उस दिन क्या होगा आपका एक कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू होगा, मतलब काफ़ी लोग बैठे हुए होंगे, वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, क्योंकि वो मतलब वो सारा आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि आपने क्या क्या नया सीखा और आपको कैसी लगी पूरे मतलब पूरे SSB इंटरव्यू कैसा लगा, सब कुछ ये सारी चीज़ें पूछेंगे मतलब मेनली, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं लेकिन मेन वो ये पूछता है, तो उसमें इतना डरने वाली बात नहीं होती, ठीक है। उसके बाद वो पूरा डिसाइड करते हैं कि किसे किसे रिकमेंड करना है, किसे नहीं करना। तो जो रिकमेंडेड होता है कैंडिडेट उसको वहीं रुकना होता है मेडिकल के लिए, और बाकी सबको भेज दिया जाता है वापस, ठीक है। अब तो SSB का पूरा प्रोसेस क्लियर है, अब आते हैं मिथ्स पे या जो बाकी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की ही बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जब हमें कॉल लेटर आता है तो वी स्टार्ट डिसाइडिंग कि हमें टिकट कब की करानी है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें रिटर्न टिकट कब की करानी है, क्योंकि हमें नहीं पता हम कहाँ तक के एग्जाम क्लियर करेंगे, कहाँ तक के मतलब वो स्टेजेस क्लियर करेंगे, कहाँ के नहीं। तो आई सजेस्ट यू कि सेकेंड डे की टिकट ना जरूर कराओ, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उस दिन की, क्योंकि उस दिन काफ़ी लोग बाहर होते हैं। तो या इट्स गुड टू बी पॉजिटिव कि हाँ हम बाकी भी क्लियर करेंगे, रुकेंगे, पर अगर स्टैंड बाय में आपकी एक टिकट रहती है तो व्हाट्स अ बिग डील, आप उसको कैंसिल कर लेना अगर आप बाकी भी एग्जाम क्लियर करते हो और आपको वहाँ पे और रुकना है। लेकिन मतलब पेरेंट्स ने मेरी टिकट करा रखी थी कि अगर बाई चांस रुकना भी पड़ता है तो ठीक है कैंसिल कर देंगे, लेकिन सेफ साइड के लिए होनी चाहिए टिकट। तो लेकिन जो बहुत से लोग होते जिनकी टिकट नहीं थी तो उनको डबल ट्रिपल चार्जेस देके अपनी टिकट करानी पड़ी थी, ज़रूरी नहीं है एंड टाइम पे टिकट्स मिल सकती हो। तो इसलिए बेटर है कि आप सेकेंड डे के लिए यानी स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद के लिए उस रात की टिकट आप एक करवा के रखो, ठीक है। ये थी फर्स्ट चीज़। सेकेंड है, अब ट्रेन आपने सब कुछ क्लियर कर लिया, मेडिकल हो गया, उसके बाद क्या,
उसके बाद ट्रेनिंग का फेज स्टार्ट होता है, मतलब कुछ टाइम बाद, क्लियर कैसे कुछ क्लियर करने के कुछ टाइम बाद। ट्रेनिंग में ना आपको 21 डेज की मतलब वार्निंग कह लो, या मतलब एक टाइम देते हैं वो 28 डेज 21 डेज के लिए, कि अगर आप 21 डेज के अंदर अंदर क्विट करना चाहते हो ट्रेनिंग तो यू कैन डू दैट, बट उसके बाद यू कांट डू दैट। अगर उसके बाद आप ट्रेनिंग क्विट करना भी चाहते हो तो यू विल हैव टू पे फॉर दैट। तो इसलिए एकदम अगर आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो और आप पूरी ट्रेनिंग कवर कर, इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कहीं नहीं पता लगती तो हम बस एग्ज़ाम देते हैं, SSB के लिए करते हैं, आगे की चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो आई सजेस्ट यू कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो ट्रेनिंग में सबसे पहले मतलब सेकेंड डे सबसे पहला काम क्या होता है, हेयर कट। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके हेयर कट करा दिए जाते हैं, और फीमेल्स को भी बॉयकट रखना पड़ता है, ठीक है। ये थी फर्स्ट स्टेज। सेकेंड, आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए फिजिकली भी मेंटली भी, क्योंकि मतलब ट्रेनिंग थोड़ी इस तरीके से चलती है कि पूरे एक साल की ट्रेनिंग होती है। पहले 6 महीने आप जूनियर होते हो, फिर आपको कुछ टाइम का ब्रेक मिलता है, आप घर जा सकते हो, फिर नेक्स्ट जो 6 महीने होते हैं ना आप सीनियर होते हो। तो जो जूनियर फेज है उसमें कुछ मतलब ऐसे होते हैं कि 25 किलोमीटर की मैराथन करनी होती है आपको, और 25 किलो का वेट कैरी करके, बैग आपका कैरी करके। और वही जब आप सीनियर फेज में आ जाते हो तो वो 40 किलोमीटर की मैराथन होती है, सेम वेट उतना ही होता है उसमें भी, पर या इट्स हार्ड। और थर्ड चीज़ है कि ट्रेनिंग ख़त्म होने के टाइम पे ना एक दिन होता है लास्ट डे, उसमें सबको नॉनवेज खिलाया जाता है। यू कांट से कि मैं वेजिटेरियन हूँ मैं ये नहीं खा सकता, सभी को खाना पड़ता है वो, ठीक है, क्योंकि उनको भी ऐसा इंसान चाहिए जो हर माहौल में खुद को डाल सके, कि ये नहीं कि मैं वेजिटेरियन हूँ मैं ये नहीं खा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थी ट्रेनिंग के बाद। अब सारे मिथ्स कवर करते हैं कि फ़ोन जाते ही सबमिट करा लिए जाते हैं। फ़ोन जाते ही सबमिट नहीं होते हैं, जो सेकेंड डे और फर्स्ट स्टेज का टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग, रीजनिंग और वो सारे नरेशन वाले टेस्ट, उसके बाद अगर आप रुकते हो तो आपके फ़ोन सबमिट किए जाते हैं, नहीं तो नहीं किए जाते, बाकी सब तो अपना फ़ोन लेके ही जाएंगे। तो फ़ोन उस टाइम पे सबमिट होता है जब फाइनल हो जाता है कि इन कैंडिडेट्स को अब रुकना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिथ्स भी क्लियर है। अगर बाई चांस मैंने कोई चीज़ कवर नहीं करी है या मेरे दिमाग से निकल गई है और आपको वो चीज़ पूछनी है तो यू कैन आस्क मी दैट इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे तो इतना याद था, पर अगर आप कुछ पूछोगे तो मुझे वो भी याद आ जाएगा, मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आप CDEX एग्जाम दे रहे हो तो आई सजेस्ट यू शुड नो ऑल दीज थिंग। सो या, बेस्ट ऑफ लक।